उरे भैया तैयार हो रहा है ये तो। मैं शक्ल वैसी रहेगी तुम्हारी? कोई बात नहीं, तब भी मैं स्मार्ट दिखूंगा। देखो ये इधर इधर देखो, देखने से स्मार्ट लग ही रहा हूँ। सुबह के 11:15 बजे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के व्लॉग में। आज है 20 जून, पर आप देख सकते हैं कि एकदम हमने बढ़िया से लाइट वाइट ऑन करके रखा हुआ है और इंस्ट्रूमेंट्स भी हमने लगा दिया है यहाँ पे, क्योंकि आज एक न्यू चैनल का इंटरव्यू है हमारा, तो वो हम करेंगे 12 बजे, वो ऑन एयर होगा, तो उसके लिए हम प्रिपरेशन चालू हो चुकी है हमारी। और उसके बाद भी आज पूरे दिन भर बहुत सारा काम है, तो व्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए कि आज क्या क्या होता है। और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, वो रहा मेरा तबला जो मैं नॉर्मली बजाता हूँ, लेकिन आपने ये कभी नहीं देखा होगा कि मेरे पास तबले का कलेक्शन कितना। आप देख सकते हैं, मैं भी पूरा नहीं दिखाऊंगा अभी आपको, जितना भी दिखा ये तो बहुत कम है, और भी तबला है। इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा जो आप सोचते होगे। बहुत लोग सोचते हैं कि इतना तबला का क्या जरूरत पड़ता है किसी को भी, एक से ही तो बच सकता है, तो मैं इसका आपको फुल इन्फॉर्मेशन बढ़िया से एक वीडियो बताऊंगा कि मेरे पास कौन कौन सा तबला है, ये मैंने कब बाय किया। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि वो वीडियो आप मिस ना करें। चैनल का नाम होगा आयाची ठाकुर ब्लॉग्स। नहीं, चैनल का नाम होगा ऋषभ ठाकुर ब्लॉग्स। ऋषभ ठाकुर ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लो और ऋषभ 2.0 को भी। मेरे साथ तू कभी नहीं बजा सकता। अच्छा, एक और सुर पर ना, तो अभी ना 1 घंटे का इंटरव्यू चला था, ठीक है, मैं भी थोड़ा सा हाफ रहा हूँ, वैसे इंटरव्यू खत्म हो गया है। हाँ, तो अभी घर में बहुत ही दहशत का माहौल है। दहशत नहीं है, क्योंकि हमारे अपार्टमेंट में कैंप लगा है कोविशील्ड का, जो कि मैं दीदी मैं दीदी पापा मम्मी जा रहे हैं टीका लगवाने के लिए, हमारा पहला डोज। इतना खुश क्यों हो रहा है? चल यस, मेरे को याद है मैं बचपन में लगाया था एक बार मैंने इंजेक्शन, उसके बाद जिंदगी में कभी नहीं लगाया। मम्मी एक्साइटेड फील कर रहे हो आप? सनी, अगर हमें बुखार चढ़ जाए तो हमारा ख्याल रखियो, और वहां पे मेरा व्लॉग रखा है, एडिट करके रखियो उसको। सब्जी नहीं बनाई हूँ, सब्जी बना लेना। चलिए चलिए, सबका ले लिया आधार कार्ड सब। डर के मारे लिखा नहीं जा रहा मेरे से। दर्द नहीं हो? लग भी गया। कुछ नहीं होगा, मम्मी को डर लग रहा है। पापा की बारी, लग भी गया बहुत जल्दी जल्दी, मैं सबसे लास्ट में। दीदी ना बढ़िया से लगा रही है ना, बात करते करते इंजेक्शन लगा रही है, पता ही नहीं चल रहा। तो सनी, पापा, मम्मी तीनों गए हैं हमारे पुराने वाले फ्लैट पे, क्योंकि वहाँ पे जैसे कि आपको पता है काम चालू है, तो वहाँ पे मम्मी जाके हम फाइनल डिसीजन लेंगे क्या चेंजिंग करानी है वहाँ पे, ठीक है। और अभी घर में है मैं और दीदी, तमन्ना दीदी एकदम काम वाम खत्म करके जा चुकी है, और दीदी ने बनाया है हमारे लिए गर्मा गर्म सा मैगी। तो यहाँ पे मैगी का लुत्फ उठाते हैं, पर एक चीज से मैं बहुत ज्यादा नाराज हो रहा हूँ, पीसी आया है तो मैं अच्छे से चला भी नहीं पाया हूँ उसे 3-4 दिन से, और मम्मी मेरे को टोंट मार रही है कि दिन भर पीसी में लगा रहता है, मैं तो कभी बैठता भी नहीं उसके पास, और लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि ऋषभ अभी वैक्सीन लगाए हैं तो ज्यादा पीसी पीसी मत करना, अभी जाके आराम करो। अरे यार नहीं चलाता पीसी यार। दी तू बता दे यार जनता को, क्या मैं पीसी चलाता हूँ? इतना भी सच नहीं बताना होता। तो अभी मम्मी सनी लौट चुके हैं, और हमारा जो बेड आने वाला था वो भी आ गया है, पापा नहीं आया अभी, लेकिन
तो अभी मम्मी पापा के रूम का बेड जो है वो हमने शिफ्ट कर दिया था म्यूजिक वाले रूम में, और मम्मी पापा के लिए एक नया बेड खरीद के आ चुका है घर में, जो कि इंस्टॉल हो जाएगा थोड़ी देर में। और मैं बता दूं कि जो टीकाकरण हुआ है हमारा, तो उसके वजह से मुझे अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, मतलब कुछ फील नहीं हुआ। अभी कब कराया था हमने, करीब 3-4 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कोई फील नहीं, नॉर्मल एकदम। देखो भाई, तो ये बेड भी एकदम लग चुका है और पापा भी घर लौट चुके हैं, और पापा आज तो एकदम गजब कर दिए हैं। आज पापा मशरूम ले आए हैं, वाह, जो कभी नहीं हुआ वो आज हो गया। और पापा लीची भी लाए हैं, तो जल्दी से लीची को क्या करते हैं, एक पापा ने ख्वाहिश रखी है कि सब लीची को एक जगह रखिए और पूरी फैमिली साथ बैठ कर लीची खाते हैं। चलते हैं और लीची तैयार करते हैं। हेलो पापा, हैप्पी फादर्स डे, किसी ने विश किया आपको इस घर में? नहीं ना, सॉरी पापा, मैं थोड़ा लेट हो गया। और पापा ये मटकूरी खरीद के लाए हैं जिसमें मम्मी दही जमाएगी, है ना मम्मी? हाँ। और मम्मी हमारे लिए बना रही है अभी मूंग दाल के चिल्ले। मम्मी तब से एक के बाद एक काम दे रही है और फिर बोलती है कि लीची तो इस जन्म में होगा ही नहीं। टमाटर दिया है। हाँ, ये लो टमाटर लो। और कोई काम? कोई काम अब ये कर लूं? कल तक नहीं जाएगा बच्चे, यहाँ मैं लीची छिल रहा हूँ, ये खाने के लिए बैठ भी गया है। वाह रे भाई, कैसा भाई है। अरे इतना ना पौष्टिक पौष्टिक कर रही है मम्मी कि कोई खाएगा ही नहीं, सबको खाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, मेरा मेहनत जो तुम पानी में करोगी ना, तो क्या लगेगा? छोटा ये देख, इसको खा के धोई मत खाना। स्विच नहीं, स्विच अरे रुको, क्या बोला? अब जो बच्चा चिल्लाने लगा जब भी बात, क्या बोला तू? ये है ना, ये लीची का बच्चा पकड़ा गया है, ठीक है, इसको खा के देखते हैं। बड़ा खट्टा है। वाह बहादुर। अच्छा दीदी ये सुन, हम लीची खाएंगे तो निकाल करके, लेकिन धो क्यों रहे हैं? मम्मी से पूछ। मम्मी क्यों धो रहे हैं, आप ऐसा एडवाइस क्यों देते हो? अच्छा सर ये सुन, ऐसे कहानी याद आ गया मेरे को। क्या क्या बताओ बताओ। एक आदमी एक मुर्गा लाया, उसको वो टोकरी के अंदर डाल दिया, अगले दिन टोकरी में से निकल गया वो। उसके अगले दिन गया, दोबारा पिंजरे में डाला, पिंजरे में ताला डाल दिया, दोबारा निकल गया। तीसरे दिन दोबारा बढ़िया से लॉक किया उसको। शायद पिंजरा में छेद होगा। नहीं, दोबारा निकल गया वो। क्यों? तो चौथे दिन क्या किया, उसको काट के खा गया, फिर निकल गया। नॉनवेज जोक्स नहीं खाने हैं, मतलब नॉनवेज जोक्स नहीं बोलने हैं। ये समझा नहीं अभी तक। अच्छा नहीं। ओ, निकल गया। चलो भाई, पापा आ जाओ, वेलकम। अजय सनी करो, खा ले खा ले। ये थोड़ा खा ले, थोड़ा ठीक हो जाएगा। हाश मैंने नहीं लगाया, तेरे को लगेगा भी नहीं अभी, तो अभी 18 प्लस नहीं हुआ ना। कर ले इधर इधर आके चला ले भाई। कौन सा भाई के जी इतने ऊपर सुनाई दे रहा है? ये पापा आप लोगों को कुछ दर्द नहीं हो रहा क्या? इतना दर्द हम लोग पापा तुम बता रहे हैं तो यहाँ पे पहले से जो दर्द हो रहा था थोड़ा बहुत वो भी ठीक हो गया। ये मन का भ्रम है। नहीं नहीं पापा, उनको हाथ पांव ए सुनिए अब हिला कर दिखाइए तो। अरे अभी ना ठोका जाए, सही में नहीं हो रहा था मेरा, में हाथ दर्द हो रहा है। हाँ ना भाई, खाओ फोड़ना है, खा ले, कल खराब हो जाएगा। सनी खा, सनी चलो। टीके का प्रकोप दीदी पे बहुत बुरी तरह छाया हुआ है, दीदी को बुखार आ गया है और दीदी जाएगी अभी सोने के लिए। दीदी सो जा अभी, सो जा। मुझे कुछ नहीं होगा, पता चले हो गया तो छोड़ो भाई। अभी रात के सनी 12 बजने वाले हैं, तो साउंड प्रूफ हो गया ना रूम। तो अभी रात के 12 बजने वाले हैं और बहुत तेज नींद आ रही है और थोड़ा थोड़ा सर में दर्द भी शुरू हो चुका है, तो एक काम करते हैं अभी सो जाते हैं और एडिटिंग जो है ना वो कल सुबह उठ के करेंगे, तो थोड़ा सा व्लॉग लेट आएगा, तो सॉरी उसके लिए पहले बोल देते हैं। तो आज के व्लॉग में इतना ही, अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो जो आता है कर दीजिएगा। आप सभी से मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मेरे और सनी की तरफ से खत्म, टाटा और बाय बाय। जिन जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया है वो प्लीज आके करवा ले, क्योंकि सुना है कि कोरोना का तीसरा वेव आ रहा है। दीदी तेरे लिए चीज है क्या? ओह थैंक यू सो मच। भाई सुबह से एकदम हेडेक है, एकदम मेरे को फोन में नहीं पकड़ा जा रहा, पूरा बॉडी लेट आ रहा है एकदम। अरे बाप रे, इसलिए बोलता हूँ कुत्ता ले आ, कुत्ता लाने से ना नेगेटिविटी हट जाता है। दो सेकंड में दिखा देता हूँ। देखिए आप कुत्ता लाने का भी मना कर रहे हैं ना, तो एक चीज आपको दिखाता हूँ, जादू हो गया यहाँ पे। आपने सारा डिलीट कर दिया मैसेज? हाँ।
हमको पता था तो हमारा एक्टिवेट किया था किसके लिए राय, तो फिर जाए हमारा आईडी के जिसे ने एक्टिवेट कर लिया है इंस्टाग्राम के कमेंट पढ़ेंगे, वो अपने बहुत तेज हैं। सब पानी पर गया सब है। तो अभी बुखार से उठने के बाद मैं नहा के आ चुका हूँ और अभी हमारा न्यूज पे इंटरव्यू आने वाला थोड़ी देर में, इसलिए हमारी पूरी फैमिली बैठ के उसका इंतजार कर रही है। कल मैं इतना जो चौड़ा हो रहा था ना कि कुछ नहीं हो रहा, जैसे रात में सोया तो सर दर्द हुआ, बाप रे बाप स्वाद आ गया। तो हम आराम से सोए, 5 बजे शाम तक सोए, मैं तो सब जग चुके थे, मैं सोया हुआ था एकदम, सर दर्द भन्ना रहा था एकदम। तो अभी एकदम फ्रेश हो चुके हैं और दीदी अभी रात में से 10 बज रहे हैं, दीदी का लाइव सेशन सब खत्म हो गया है और पापा हमारे लिए लाए थे लिची, तो वहाँ पे पापा सनी दीदी सब लीची खा रहे थे, चलते हैं लीची खाते हैं। कल पापा ना इससे भी ज्यादा लीची लाए थे, हम थोड़े से खाए और बहुत बच गया था, जब तक मैं सोया सनी ने सब खा के खत्म कर दिया। तो पापा आज दोबारा लाए हैं खरीद के, अब आज ना खाते हैं। एक तो ना टेबल से नीचे इसका गंदगी नहीं जाना चाहिए। और देखो इधर क्या चल रहा था, ऋषभ 2.0 पे लाइव जाने की तैयारी चल रही थी, लाइव आएंगे। पापा ये वीडियो देखते देखते सही में सो गए।